विविध मांगों को लेकर 15 जनवरी से आमरण उपोषण किए जाने की जानकारी संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था की ओर से आयोजित पत्र परिषद में दी गई। चंद्रपुर MIDC मल्टी ऑर्गेनिक्स कंपनी द्वारा रासायनिक कचरे से सोनोरली रोड, दादाला नाला और जमीन पर डालने से उस जमीन से रासायनिक द्रव्य नाले के जरिए चंद्रपुर शहर को और 6 गांव को नागरिकों को जीवनदायी इरई नदी द्वारा पीने के लिए पानी जल आपूर्ति किया जाता है। 6 गांव का भूजल प्रदूषित हुआ है। बार बार शिकायत करने पर भी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी विशेष संबंध संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था संस्थापक अध्यक्ष राजेश बेले और चंद्रपुर के पर्यावरण प्रेमियों ने साथ मिलकर 15 जनवरी 2019 से आमरण उपोषण करने का निर्णय लिया है। उपोषण दौरान प्रमुख मांगे रखी गई है, जिनमें मल्टी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तत्काल बंद करने के आदेश दिए जाए, लहुजी नगर में तत्काल शुद्ध पीने के पानी की पाइपलाइन डालकर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, चंद्रपुर प्रदूषण नियंत्रक महामंडल के अधिकारियों पर फौजदारी गुनाह दाखिल कर उनके प्रॉपर्टी की जांच कर उन्हें निलंबित किया जाए, मल्टी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पर्यावरण संबंधी की जांच की जाए, जैसी कई मांगों का समावेश था। उक्त मांगे पूरी होने तक उपोषण जारी रहने की जानकारी पत्र परिषद में दी गई। पत्र परिषद में संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था के सदस्यगणों की उपस्थिति थी। आगस्त 2018 रोजी मल्टी ऑर्गन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या विरोधात आम्ही पोलीस की तक्रार केलेली होती। त्यावेळे पंचनामे पण प्रदूषण महामंडळाने येऊन केलेला होता। तिथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रासायनिक द्रव्य इरे नदीच्या पात्रा आणि सोनोरी दातळा नाद्यांमध्ये जाताना निदर्शनास आले। त्यानंतर 15 दिवसांकरिता मल्टी ऑर्गन प्रायव्हेट लिमिटेड हे कंपनी बंद करण्यात आली। थूक पॉलिश करून त्यांनी टोटल 400 ते 500 मेट्रिक टन रासायनिक कचरा तिथून उचलला। त्याच्यानंतर मल्टी ऑर्गन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या तिथं 1,00,000 टन मॅट्रिक रासायनिक कचरा पडलेला आजही सुद्धा आहे। आजही तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये रासायनिक द्रव्य निघून राहिलेलं आहे, हाजर्डस मोठ्या प्रमाणात आहे। तरीसुद्धा प्रदूषण महामंडळ हे पाठराखण करून राहिलेलं आहे, जिल्हा प्रशासन कुठेतरी त्यांच्या दबावाखाली काम करून राहिलेले आहे। म्हणून आम्ही 15 जानेवारी 2019 रोजी 10 वाजता जिल्हा अधिकारी कार्यालयाच्या समोर आमरण उपोषणाला सुरुवात करणार आहोत। तरी संपूर्ण जनतेने पर्यावरणप्रेमींनी या उपोषणात सहभागी व्हावे। भविष्यात कोणतीही कंपनी प्रदूषण करणार त्याच्या विरोधात संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था आवाज पुकारणार आहे।